ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फिलहाल 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला भारतीय टीम ने एक बहुत ही रोमांचक अंदाज में अपने नाम किया था, क्योंकि भारतीय टीम ये मुकाबला हारने के कगार पर पहुंची थी, लेकिन उसके बाद कुछ फैसले जिनके दम पर पूरा मैच पलटा। लेकिन हम आपको बता दें कि दूसरे वनडे मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11 में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे, वो इसीलिए भी क्योंकि पहले वनडे मुकाबले में जीत के बावजूद भी कप्तान रोहित शर्मा ज्यादा खुश नजर नहीं आए और कुछ खिलाड़ी जिनके खराब प्रदर्शन की वजह से उन्हें बाहर किया जाएगा। तो जी हाँ, दूसरा वनडे मुकाबला जो खेला जाएगा 21 जनवरी को, तो जी हाँ, दूसरे वनडे मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11 में कुछ बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। कुछ दिग्गज खिलाड़ियों को कप्तान रोहित शर्मा ने अपने बड़े फैसलों के साथ बाहर किया है, तो कुछ खिलाड़ी जिनको अंदर करने की अब बारी आ चुकी है। चलिए जानते हैं दूसरे वनडे मुकाबले के लिए क्या रहेगी भारत की प्लेइंग 11 इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है, आप बेस्ट 30 गेंदबाज इस फील्ड में कैसे मानते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। लेकिन चलिए जानते हैं दूसरे वनडे मुकाबले के लिए, क्योंकि पहला वनडे मुकाबला भारत ने 350 का स्कोर खड़ा किया, पहाड़ सा लक्ष्य था, लेकिन टीम इंडिया की गेंदबाजी लाइनअप काफी खराब रही। हालांकि टॉप ऑर्डर को जल्दी ध्वस्त किया, लेकिन एक पार्टनरशिप ऐसी जिसने टीम इंडिया की उस जीत को हार में तब्दील कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे तैसे मुकाबला तो जीत गए, लेकिन इस जीत में भी हार का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट छुपा है और इसी वजह से तो प्लेइंग 11 में हो रहे हैं बड़े बदलाव। एक एक करके जानते हैं पूरी प्लेइंग 11 क्या रहेगी दूसरे वनडे मुकाबले के लिए। सबसे पहले ओपनिंग पेयर की बात करें तो इसमें पहला नाम शुभमन गिल का आता है। शुभमन गिल के तो खैर क्या ही कहने, हमने पहले भी कहा अगला भारत का विराट कोहली तैयार हो रहा है। शुभमन गिल लगातार शतक के बाद शतक तो लगा ही रहे थे, लेकिन इस बीच पहले वनडे मुकाबले में दोहरा शतक लगाकर क्रिकेट की दुनिया में खलबली मचा दी है। शुभमन गिल ने ईशान किशन के बाद कहीं न कहीं शतक लगाकर भारतीय टीम के लिए एक मजबूत दावेदारी पेश करी है। शुभमन गिल अब भारतीय ओपनिंग जोड़ी के परमानेंट मेंबर बन चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शुभमन गिल ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी करी है, आक्रामक रवैया अपनाया है, जरूरत पड़ने पर धीमी पारी खेली है और भारत के वो पांचवे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है ये वो जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है, तो ये भारत के लिए बहुत बड़े शतक वीर के साथ साथ एक बहुत बड़े खिलाड़ी के रूप में आ रहे हैं। ओपनिंग पेयर में इनका खेलना तय है और इनके साथ में फिर कप्तान रोहित शर्मा हिटमैन के नाम से मशहूर ये खिलाड़ी भी ओपन करेगा। रोहित शर्मा हालांकि टच और लाइन में इतने ज्यादा नजर नहीं आ रहे, क्योंकि शुरुआती के रन तो आ रहे हैं 18, 20, 25, 30, लेकिन फिर ये आउट होते जा रहे हैं और कोई विकेट फेंकना हिटमैन से सीखे, क्योंकि जिस तरह से ये विकेट सामने वाले को देते हैं मानो थाली में परोस कर दिया गया है उनको। कुल मिलाकर हिटमैन जो है अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करना चाहेंगे, अपनी लंबी पारी को देखना चाहेंगे और अपने उसी लंबी पारी के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। रोहित शर्मा अब भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी में अगर फॉर्म और लाइन में आ जाए तो भारत सबसे मजबूत ओपनिंग जोड़ी रोहित और शुभमन के रूप में तय हो जाएगी और दूसरे वनडे मुकाबले में भारत की ओपनिंग जोड़ी यही रहेगी। तीसरे पायदान पर नाम विराट कोहली का तय है, इसमें कोई शक नहीं है। विराट कोहली ने हालांकि शतक के साथ शतक तो लगाए हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में इनका बल्ला खामोश रहा है। जरूरत पड़ने पर टीम इंडिया के लिए रनों का अंबार ये खिलाड़ी लगाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से ओडीआई फॉर्मेट में अपनी फॉर्म और लय दोनों ही पकड़ चुके हैं। विराट कोहली आक्रामक रवैये के बल्लेबाज हैं और मिडिल ऑर्डर में आकर के टीम की रन गति को आगे बढ़ाना, अपनी पारी को बिल्ड करना इनकी काबिलियत है। किंग कोहली के नाम से ये खिलाड़ी मशहूर है। फिलहाल ओडीआई फॉर्मेट में इनकी रैंकिंग में भी बहुत बड़ा उछाल आया है, क्योंकि पिछले 5 में से 3 इनिंग्स में तो इन्होंने शतक लगाए हैं, इसलिए विराट कोहली गजब लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तीसरे पायदान इन्हीं का है। चौथे पायदान पर ईशान किशन को मौका दिया गया था पहले वनडे मुकाबले में। ईशान किशन ने हालांकि ओपनिंग पेयर के बल्लेबाज हैं, इन्हें चौथा पायदान या फिनिशिंग टच में कभी देखा नहीं गया है, इसलिए सवाल सबका मन में था कि क्या ये इस पोजीशन के लिए सही भी है या नहीं। लेकिन जब पहले वनडे मुकाबले में बल्लेबाजी करी तो उससे साफ हुआ कि इस पोजीशन पर कुछ खास रास नहीं आ रहे हैं। लेकिन ईशान किशन ने चूंकि दोहरा शतक लगाया है और पहली पसंद बन रहे हैं, इसीलिए देखना होगा क्या केएस भरत को मौका दिया जाएगा। केएस भरत जो इस पोजीशन के लिए खतरनाक बल्लेबाज हैं, केएस भरत जो वनडे फॉर्मेट में यहां पर बल्लेबाजी अक्सर करते हुए नजर आ जाते
जाते हैं, इसीलिए ये एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर देखा जा सकता है। क्योंकि ईशान किशन इस पोजीशन पर कम ही बल्लेबाजी की है तो केएस भरत को तैयार किया जा सकता है और उस लिहाज से इन्हें केएस भरत को मौका दिया जाएगा दूसरे वनडे मुकाबले के अंदर। हो ये भी सकता है कि चौथे पायदान पर सूर्य कुमार को खिलाया जाए और केएस भरत को पांचवें पायदान पर, क्योंकि सूर्य कुमार यादव मिडिल ऑर्डर में आकर के रनों का अंबार लगाते हैं। हालांकि पहले वनडे मुकाबले में शुरुआत तो इनको भी मिली थी लेकिन इन्होंने उस शुरुआत को भुनाया नहीं और मानो विकेट थ्रो कर दिया है। कुछ लोग तो कहते हैं कि हर फॉर्मेट T20 नहीं होता, सूर्य कुमार यादव को अपनी बल्लेबाजी से जल्द ही इम्प्रेस करना होगा, ये उस काबिल खिलाड़ी हैं कि इनको ODI के आंकड़े शोभा नहीं देते हैं, इसलिए सूर्य कुमार यादव चौथे पायदान पर आ जाएंगे तो KS भरत को पांचवे पायदान पर जाना पड़ सकता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर देखा जाएगा, कॉम्बिनेशंस को लेकर भी बहुत बड़ा बदलाव किया जाएगा। KS भरत के साथ अब सूर्य कुमार यादव, जी हाँ, बहुत बड़े कमाल के बल्लेबाज आक्रामक रवैया अपनाते हैं और यहाँ पर एक बड़ा बदलाव होगा। लेकिन इसके साथ में देखा जाए तो सिक्स्थ पोजीशन पर कप्तान हार्दिक पांड्या का नाम भी आ जाएगा। अब कप्तानी कर रहे हैं फिलहाल ODI फॉर्मेट के अंदर अपनी गेंदबाजी से, हर किसी को प्रभावित पहले वनडे मुकाबले में किया। हालांकि पहले थोड़े महंगे साबित जरूर हुए थे लेकिन जब जरूरत पड़ी कि टीम में अच्छी गेंदबाजी किया तो विकेट भी चटकाए, रनों का कंजूसी भी दिखाई, हार्दिक पांड्या एक शटल खिलाड़ी नजर आ रहे हैं और कप्तानी में भी अपना योगदान लगातार देते हुए भारतीय टीम में नजर आते हैं। हार्दिक पांड्या एक कमाल के खिलाड़ी, इसमें कोई दोहराय नहीं है, ऑलराउंड पैकेज में टीम इंडिया के लिए मस्ट विन खिलाड़ी के रूप में आगे आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या अब कहीं ना कहीं बल्लेबाजी से भी अपने तेवर दिखाने की इच्छा जाहिर करेंगे, दूसरे वनडे मुकाबले में न केवल गेंद से बल्कि बल्ले से भी अपनी टीम के लिए योगदान देना चाहेंगे क्योंकि पहले वनडे मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए थे। सातवें पायदान पर वॉशिंगटन सुंदर का भी खेलना तय माना जा रहा है। वॉशिंगटन सुंदर एक कमाल के खिलाड़ी है, ऑलराउंड पैकेज इनका भी अच्छा है, टीम के लिए गेंदबाजी ये भी अच्छी करते हैं और बल्लेबाजी में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। हालांकि पहले वनडे मुकाबले में कुछ खास किया नहीं लेकिन चूंकि अक्षर अवेलेबल नहीं है तो फिर इनको जगह मिलती रहेगी। लेकिन इसके बाद में एट्थ पोजीशन पर कुलदीप यादव का भी नाम आ जाएगा। पहले वनडे मुकाबले में एक बार फिर दिखा दिया न्यूजीलैंड के खिलाफ कि ये चाइनामैन गेंदबाज क्यों है, बड़े नामी दिग्गज खिलाड़ियों को सस्ते में आउट करके कुलदीप यादव ने अपनी जगह को और भी ज्यादा पुख्ता कर लिया है और कुलदीप यादव का सेकंड ODI के लिए भी प्लेइंग 11 में खेलना आठवें पायदान पर तय है। लेकिन गेंदबाजी एक्शंस में कुछ बदलाव आपको नजर आएंगे, नजर इसलिए भी क्योंकि शार्दुल ठाकुर हालांकि आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं नाइन्थ पोजीशन पर। शार्दुल ठाकुर एक कमाल के खिलाड़ी है, अपनी गेंदबाजी से तो प्रभावित किया ही है पहले वनडे मुकाबले में क्योंकि पार्टनरशिप ब्रेक करते हैं और अंतिम में आकर डेथ ओवर में भी, हालांकि ये कभी गेंदबाजी करते नहीं लेकिन पहले वनडे मुकाबले में आखिरी ओवर्स में गेंदबाजी कर टीम को अच्छा योगदान दिया, LBW आउट कर उस खिलाड़ी को भारत के लिए जीत पुख्ता कर दी थी। तो कुल मिलाकर इस खिलाड़ी का भी वहां पर खेलना तय है। लेकिन 10th पोजीशन पर चूंकि मोहम्मद शमी चोटिल हो गए थे पहले वनडे मुकाबले में, काफी ज्यादा वो इंजर्ड नजर आए, हो सकता है कि उन्हें बाहर किया जाए क्योंकि चोटिल होने की वजह से वो फिट नहीं है और ऐसे में उन्हें बाहर बैठना पड़ेगा, हो सकता है उन्हें आराम दिया जाए, चूंकि पूरी तरह से फिट हो तभी भारतीय गेंदबाजी लाइनअप का हिस्सा बनाया जाए, इसलिए ये तो तय है कि उमरान मलिक आपको इस गेंदबाजी लाइनअप में वापसी करते हुए नजर आएंगे और मोहम्मद शमी को बाहर बैठना पड़ सकता है, ये बहुत बड़ा बदलाव यहां पर भी होगा। और एक और बदलाव, क्योंकि मोहम्मद सिराज भी अवेलेबल है और फिट है और पहले मुकाबले में जिस तरह की गेंदबाजी करी, 4 विकेट चटकाकर एक सनसनी मचा दी, टीम इंडिया के लिए एक तुरुप के एक के रूप में आगे आ रहे हैं, बहुत अच्छी कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, इसीलिए कहना होगा मोहम्मद सिराज इस गेंदबाजी लाइनअप के आक्रामक रवैये के साथ में आते हैं, इनकी भी जगह पक्की है। ये रहेगी भारत की प्लेइंग 11 हमारी नजर में, 2-3 बड़े बदलाव हमारी नजर में हो सकते हैं, लेकिन आपके क्या लगता है, क्या ये बदलाव होंगे भी या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।